बहुत खुशी का दिन है कि भगवान की कृपा से आज ये मुझे मौका मिला है। इसको ऑफ मेरी आंखें तरस जाती थी इसको ऑफिसर देखने के लिए, तो आज भगवान ने बहुत बहुत खुशी दी है मेरे को। और मैं यही अरदास करती हूँ भगवान से कि खूब तरक्की करे, देश का नाम रोशन करे, अपने माता पिता का भी और इस बिलासपुर का भी, और दीर्घायु हो, आरोग्य रहे और खूब फले फूले। जैसा कि बिलासपुर शहर जो है, मुझे आर्मी में ज्वाइन करने की प्रेरणा मेरे पर दादा से मिली थी। उनके बारे में पूरा बिलासपुर जानता है और बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं, और जो रिस्पेक्ट आर्मी में मिलती है वही एक मेन रीज़न था आर्मी को ज्वाइन करने का। किस पोस्ट पे थे आपके दादा थे जो आप? मेरे पर दादा कैप्टन ऑनरेरी कैप्टन सोहन सिंह चंदेल थे, वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे। और आगे किस तरह से परिवार का कितना सहयोग मिला है, क्या कहना चाहेंगे आप? परिवार का सहयोग हमेशा से रहा है, सबसे ज़्यादा मेरी मम्मी का, उनकी पूजा और उनके सपोर्ट की वजह से जो कुछ भी हूँ मैं आज हूँ। मेरे पापा का, उन्होंने ही हमेशा मेरे को सपोर्ट किया है, चाहे वो कैसा भी सपोर्ट क्यों ना हो। हर जगह के लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं तो आपको काफ़ी चीज़ों का एक्सपीरियंस होता है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट का, कहाँ पे कौन से कैसे ट्रेडिशन होते हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हर जगह से आपके नए नए दोस्त बनते हैं, तो होलसम एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस होता है वहाँ पे। युवाओं से कुछ अपील करें, क्योंकि आज के युवा नशे में पड़ रहे हैं, तो उनसे भी कुछ अपील करेंगे, एक प्रेरणा है आप उनके लिए? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपने आप को एक डायरेक्शन देना, एक गोल सेट करना, छोटे छोटे गोल बना के उन्हें डे बाई डे कम्प्लीट करना। जितने छोटे छोटे गोल बनाएंगे उसे कम्प्लीट करने की कोशिश करेंगे, तभी आपका जो मेन गोल है वो अचीव हो पाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है वैसा एनवायरनमेंट देना पेरेंट्स को, कि जैसा वो उनको एनवायरनमेंट मिलेगा वो उसी तरीके से बिहेव करेंगे। तो उन्हें गोल देना, बचपन से उन्हें डायरेक्शन देना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।